जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में खाद व्यापारी की बदमाशों ने की गोली मारकर हत्या। जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने खाद विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी और बदमाश घटना स्थल से फरार हो गए। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को चंदोसी के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां पर मृतक के परिजन भी पहुंचे। खाद विक्रेता को मृत अवस्था में देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। गुरुवार की शाम को खाद विक्रेता रामोतार शर्मा गणेश कॉलोनी निवासी रोजाना की तरह अपनी बाइक से खाद की दुकान से विजेटर चुराए से चंदोसी आ रहे थे। जैसे ही वे जैन साहब के भट्टे के पास पहुंचे, तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने खाद व्यापारी पर हमला बोल दिया। जब व्यापारी ने बदमाशों का विरोध किया तो उन्होंने गोली चला दी। गोली व्यापारी के सीने में जा लगी। गोली लगते ही व्यापारी जमीन पर गिर पड़ा। व्यापारी का बेटा विशाल, जो अपने पिता के साथ था, विशाल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस क्षेत्र अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कप्तान यमुना प्रसाद भी घटना स्थल पर पहुंचे और घटना के विषय में जानकारी ली। व्यापारी को चंदोसी के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चंदोसी की गणेश कॉलोनी के रहने वाले खाद व्यापारी की चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में जैन साहब के भट्टे के पास बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। ब्राह्मणों की हत्या हो रही है और अब ब्राह्मण इस चीज को सहन नहीं करेंगे। हमें कल से ही इनिशिएटिव लेना है। कल से ही हम इस सरकार के विरोध में, आज क्या घटना हुई है, आज क्या घटना, 24 घंटे का टाइम है प्रशासन के पास में। 24 घंटे में अगर प्रशासन इनिशिएटिव लेता है, मुलजिम को पकड़ता है। घटना है, ये लूट नहीं है, ये बाकायदा बनाया हुआ एक प्लान है और इसमें साफ नाकाम दिख रहा है। जहाँ पर 100 नंबर खड़ी होनी चाहिए वहाँ 100 नंबर नहीं दिखी और ऐसे पॉइंट पे गोली मारी गई जहाँ पर प्रशासन हमेशा मौजूद रहता है, यानी कि चंदोसी के पास में। अगर ऐसी घटना घटती रहेंगी हम क्या करेंगे? घटना में जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है इसमें, उस पर 24 घंटे के अंदर अंदर उचित कार्रवाई हो, नहीं तो कल को ब्राह्मण समाज धरने पे बैठ जाएगा। एकुर थाना क्षेत्र में व्यापारी राम अवतार जी की एक खाद की दुकान थी, वहाँ से ये लोग शाम को आ रहे थे बंद करके, पिता पुत्र विशाल और उनके पिता राम अवतार। ये जैन साहब के भट्टे के पास में दो बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी रोकी और उसके बाद इन पे फायर किया और ये, जिसमें पिता की मौके पे ही मृत्यु हो गई, गले के पास गोली लगी थी, मौके पे मृत्यु हो गई है। और अभी पैसे का कोई क्लियर नहीं है कि क्या गया है, उसके बारे में विशाल अभी कोई फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। बाकी टीमें बनाई गई है, 3 टीम अभी तत्काल गठित की गई है और क्षेत्र में सभी कॉम्बिंग की जा रही है और इसको जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाएगा। हमारी 3 टीमें लगातार इसमें काम करना शुरू कर दी है। किस चीज़ का व्यापारी था? खाद का व्यापारी था और ये अपने व्यापार करके वापस गणेश कॉलोनी चंदोसी के रहने वाले थे, वहाँ वापस आ रहे थे।